ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की मोक्ष मार्ग को तीन भागों में न रख करके तीन वस्तुओं के माध्यम से एक माना है। ये लोग अपने अपने अनुभव और संकल्प आदि को एक प्रकार से रूप देने का प्रयास किया। यह रूप ही आगे जाकर के स्वरूप बन जाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। इन लोगों की यात्रा सूत से प्रारंभ हो जाती, लेकिन ये ध्यान रहे सूत शुरुआत नहीं है, उससे भी और पहले शुरुआत होती है। बहुत ही नाजुक रहते हैं, जिनको हाथ से या तर्जनी और अंगुष्ठ में पकड़ नहीं पाते, किंतु किसी भी साधन से जब हम उसको देखते हैं तब मालूम पड़ता है। जब उसको रेशाएं कह दें या बहुत सूक्ष्म धागा कह दे, धागा तो बाद में होता है, फिर उसको जब एक मेक करते हैं और उसमें कुछ बल मिलता है, तब कहीं जाकर के वो सूट के रूप में परिणत हो जाते हैं। जिसको आप पौनी कहते हैं, पौनी, ये पौनी कहने में नहीं आते। पहले कपास देखो, फिर कपास में से कूड़ा कचरा बाहर निकालो, फिर उसको एक प्रकार से वो जुनाहत है ना, हाँ, वो उसको ऐसा काटता है, ऐसा उसको रूप देता है। वहाँ इतना सा रुपया के स्थान में रहने वाला वह कपास इतना फूल करके बाहर आ जाता है, उसको पौनी बनाया जाता है उसके। फिर उस पौनी को सूट के साथ निकाला जा सकता है। यह मेहनत पहले किया गया है, तब कहीं जा कर के उस सूट को आप लोग फिर बाद में अपने अपने क्षमता, कला और साधन सामग्री के अनुसार क्या देते हैं, एक प्रकार से और आगे गति दे देते हैं। तो उससे वह सूत धागा बन जाता है, किंतु ऐसा धागा नहीं है उसको यूं खींचोगे तो एकदम खींचेगा नहीं, तो वह कुछ ताकत लगाओगे तब कहीं जाके मालूम पड़ता है कि इसमें बहुत शक्ति
और एकता, और इसमें एकता के स्थान पर अनेकता भी एकता का रूप धारण कर लेता है। एकता जगी, एकता जगी, एकता जगी, एक प्रकार से ताजगी आती तब, एक ताजगी एकता जगी। ताली तो बाद में बज जाती है, उसकी मेहनत तो देखो एकता की क्या है। तब इसके उपरांत वह सूत क्या करता है, तनता है। तनता का मतलब क्या होता है? तनता का मतलब होता है ताना बन जाता है। जब वो सूत को खींच करके और उसको टूटे नहीं इसके लिए मांड वगैरह का प्रयोग लगा करके सुखा दिया जाता है तो वो ताना बन जाता है। अभी आपके पास कहीं भी वस्त्र का दर्शन है ही नहीं। अब इसके उपरांत ताने को एक व्यक्ति कहता है, तुम तो अधूरे हो, तुम्हारी यात्रा तुम्हारे पेट में आकर के जब मैं बैठूंगा तब कहीं जाकर के आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। तो ताने को तान रख करके रखा है और उसके लिए बाना और कर देते हैं तो वो बाना क्या करता है, दो तीन चार पांच इसके बीच में से वह चला जाता है और ताना बनता है। मान लो 20 फीट का, तो 20 फीट की धोती और साड़ी का आकार बन जाता है हथकरघा के ऊपर, हाथ में नहीं। यहाँ आकर के आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या सम्यक दर्शन किस प्रकार बुना गया है, सम्यक ज्ञान किस प्रकार ताने का काम करता है और सम्यक चरित्र उसको ठोकता रहता है, हमेशा ठोकता रहता है। तब कहीं जा करके आपके पास कहाँ क्या पहना है, ताना, क्या क्या इसमें डाला है, बाना। ऐसा नहीं जैसे आप लोग खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें से इतना नमक डाला है, इसमें और मसाला डाला है या और, ऐसा नहीं। यह भी एक पद्धति है, कहाँ पर डालना, कब डालना, कितना डालना, और ये सारा सारा जैसा सिद्धांत जुड़ा हुआ है उसी प्रकार है। तब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की दशा। यह दौलत राम जी कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र इन तीनों मिल जाते हैं तब कहीं जा करके वस्त्र जैसा बनता वैसे ही यह मोक्ष मार्ग बनता है और वह मंजिल भवन में जाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। आप लोग सुबह भी और अभी मध्यान्ह काल में भी यहाँ इन लोगों का उद्देश्य लक्ष्य ध्रुव जिसको बोलते हैं इन सब को जान लिया और यहाँ जब मनाते हैं तो सुबह सुबह प्रचर्चा हुई थी, उनका ब्लड प्रेशर ही ठीक हो गया।
किसी के ब्लड नहीं बन रहा है और इसके उपरांत उनके लिए कुछ ऐसा कहा गया, अरे तुम डरते क्यों हो, और तुम बहुत जल्दी स्वस्थ होने वाले हो, थोड़े से आप प्रसन्न रहा करो, थोड़ा भोजन भी समय पर किया करो। तुम तो ध्यान रखो, तुम्हें चिंतन नहीं आता है तो चिंता ना करो। लेकिन ये चिंतन करने वालों ने ऐसा चिंता करने वालों की उन्हें और आगे बढ़ा दिया। ये कहते हैं कि नहीं, हमने कार्य किया है, विधिवत किया है, तो पक्का है। जब हम जयपुर अजमेर में गुरुजी भी थे उस समय, उस समय प्राय करके ये कोट पहनते थे लोग, और एक प्रकार से रजाई का ही पतला रूप होता था, और वो पहन करके आते हैं, नमोस्तु करते, देखते, फिर धार्मिक चर्चा वगैरह हो जाती। उस समय पूछा गया है कि इतने आप पहने हो, सब एड़ी से लेकर के चोटी तक वेंटिलेशन ही नहीं रहा, आने जाने के लिए थोड़े बहुत तो रखो, साइंस तो सब लोग पढ़ते हैं, किंतु यदि आप सो जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपको कुछ दिन के उपरांत रोग होगा कोई न कोई। क्या है मना, एड़ी से लेकर चोटी तक यदि बंद कर दोगे, दिन में फिर भी ठीक है, लेकिन रात में कैसे, ये ऐसे यदि हो गया, खिड़कियां पिड़कियां सब बंद, कोई भी वहां पर प्रवेश के लिए द्वार ही नहीं है, ऐसा कौन सा भवन है जो बनाया गया है जहां पर खिड़कियां झरोखा वगैरह नहीं हो, केवल दीवार दीवार की तरह आप कर दो, नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये भी है, आप पूरा पूरा बंद कर लो कोई बाधा नहीं, किंतु श्वास लेने के लिए और मुख को और नाक के लिए तो कम से कम खुला रखो। उत्तमांग जिसको बोलते हैं, जहाँ पर आठों अंग आ जाते हैं, तो उस उत्तमांग के माध्यम से यदि आप श्वास खूब लेंगे, तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्राण वायु का आना और निकालना, श्वास और उच्छ्वास, ये दोनों ही कार्यक्रम चलते रहे, आप भले ही शयन कर चुके हैं। आज हम इस काल में एक प्रकार से सोचना ही बंद कर दिया है, जो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए रोग वर्धक है, हमारे लिए और इतना ही नहीं अपव्यय कराने वाला भी है। कैसे अपव्यय, आपको भोजन करने के लिए कोई मना नहीं, किंतु आपके भोजन के साथ साथ और भी कोई चीज है उसके लिए भी मना नहीं, किंतु एकाध खुराक, हम दो तीन खुराक कम से कम और लेते हैं, थोड़े से आप खुलासा कर दीजिए आपकी कौन सी खुराक है। नाश्ते के समय पर भी, फिर आहार के बाद, फिर बाद में एक समय 3 बजे आदि
उस समय में खुराक लेते। पहले तो भरपूर पेट भर तो खा लिए थे, खुराक तो पूर्ण हो गए थे। नहीं महाराज, वो मेड्डी महाराज जी की खुराक है। वैद्य जी महाराज ने क्या कहा, भोजन के समय पर भोजन करो और ये जो पुड़िया अब लेते जाओ। अरे भैया इतना तो सारा खा लिया, इतनी पुड़िया क्या काम आएगी? 10-20 पूड़ी खाने के उपरांत ये पुड़िया क्या काम करेगी? बोलो आप। ये अपव्यय माना जाता है और यह इससे भी ज्यादा महंगी है। और इन पुड़ियों के खाने से कोई पहलवान नहीं होता। और ये पुड़िया खाते जाओ, अब तो डॉक्टर लोग कहते हैं देखो आपको हमेशा हमेशा रहना यहाँ पर और काम करते रहना है, तो आप इस जिस प्रकार भोजन नहीं छूटता उसी प्रकार ये हमारी खुराक पुड़िया अब छोड़ो नहीं, वहाँ पर धूल पहुँचना ही नहीं चाहिए। इसलिए आप लोगों से हमारा यही कहना है, गुरु जी वृद्धावस्था में भी उन्होंने इस प्रकार की बातें चुटकी बजाते, कोई चोटी के विद्वान भी आ जाता है, वृद्धावस्था में पंडित भी आ जाते हैं, तो उनके लिए भी उलझी हुई समस्या को सुलझाते थे। और युवा आ जाते हैं उनके साथ भी हो करके उनको भी बताते हैं, और छोटा सा लड़का भी आ जाए तो उसके लिए भी समझाते हैं। और हम जैसे क्या दो प्रकार के गली में पत्थर मिलते हैं, एक तो ठोकर लग गया वह तो हिले नहीं, और जिसकी ठोकर लग जाए तो भीतर का बाहर खून आ जाए, और एक को पत्थर लग गया तो पत्थर यदि लुढ़क जाता है तो वह इतना हानिकारक नहीं है। तो हमारे लिए कोई ऐसे कोई बात भी कह देते हैं कोई असर ही नहीं पड़ता था। समझ में आ गया? हाँ जी महाराज, बिल्कुल समझ। आपने भगवान के द्वारा जो दिखाया हुआ मार्ग को हमारे लिए बता दिया, आप तो बहुत सर्वक्षम के धनी हैं, ऐसे बताते रहे और हमें भी यह क्षेम प्राप्त हो, ये भावना तो हम करते हैं, लेकिन साधना आप ही करेंगे तो ये ठीक होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं। हम तो आपके ऊपर ही विश्वास रखते हैं कि गुरुओं के सानिध्य में रहने से आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान है, और वह ज्ञान ही बढ़वाना बहुत एक काम कर रहा, गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है? उसका स्वभाव है आत्मा को जलाने के लिए कायम तत्पर रहता है। इसीलिए आचार्यों ने हमें कहा कि सुनो, वही एकमात्र हमें चुनना चाहिए जिसके चुनने के उपरांत हमारा काम पूर्ण हो जाए। क्या सीखना चाहिए कि एक प्रकार से जिससे आत्मा का कल्याण होता हो,
उसको सीख लेना चाहिए और बाकी जितने भी हैं सुनने में आ जाते हैं तो ठीक है, कोई बाधा नहीं, किंतु काम में तो इतने में ही आ जाता, हो जाता है। तो ऐसे वो समझा देते थे, गुरु हमेशा हमेशा घुट्टी की भांत माध्यम से शिष्यों को खिलाता है और पिलाता है। घुट्टी क्या चीज है? घुट्टी वह चीज है जिसको घोल घोल करके, नहीं समझे, और गर्म नहीं भी हो तो भी उसको यूं यूं कर रहे हैं, यूं यूं नहीं कि थोड़े से गर्म है वो ठंडा कर रहे हैं, गर्म नहीं है लेकिन थोड़े बहुत गर्म है तो रहने दो, थोड़ा ठंडा करना तो ठंडा होने दो, तब तक वह भीतर जो डाला है वह एक मेक हो जाए और घुट्टी का काम बना दे। इसी प्रकार छुआरा खारक जिसको बोलते हैं उसको भी दूध में डाल करके और उसको भी घोटते थे, ये काय कर रही है तू, एक बार में खाने की योग्य नहीं, एक बार में खाने की योग्य होते हुए भी इसको चटवाना है, अभी दांत तो आया ही नहीं बेटा, इसलिए खारक जो है बहुत कठोर होते हैं। सुनने में बाद में आया, व्याकरण में बहुत सारे व्याकरण के सूत्र होते हैं, उसमें एक स्थान पर ये भी याद किया छुआरे को, कैसे इसको कारक बोलते हैं, कारक का मतलब खारक, नहीं समझे, एकदम दांत तोड़ देता है, अब दांत तोड़े बिना चोटी के विद्वान बन ही नहीं सकता, आज न चोटी है न विद्वान है, कुछ भी नहीं, तो इसलिए खारक के घोटने से घुट्टी बनती है और उसको धीरे धीरे दूध में डाल करके पिला देते हैं, तब कहीं जाकर के वह हजम होता है। आप लोग श्रम सीखो, श्रम से ही श्रमण बनता है और श्रम से ही एक प्रकार से क्या होता है, श्रावक बनता है। लेकिन दूसरी एक बात और है, श्रम से ही एक प्रकार से पसीना आता है, और जब पसीना आता है तो भीतर घुस करके बैठा हुआ रोग भी उस पसीना के माध्यम से दूर हो जाता है, तो अपने आप ही वह क्या स्वस्थ नहीं, ऐसा स्वस्थ कैसे हम बनाए, लो ब्लड प्रेशर और हाय ब्लड प्रेशर है दोनों में लगाना, अब वो हाय और डाउन दोनों एक ऐसे क्यों हो रहा, उठक बैठक करो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन आज के लोग यही क्या हो रहा हुआ ऐसे डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन होता डीप डीप, एक और हमने सुना था पहले तो एक्सरे होते थे, तो एक्सरे होने के उपरांत नहीं नहीं ये एक्सरे से थोड़ा सा और आगे बढ़ो, बहुत अच्छा है ये यंत्र, वो क्या है डीप एक्सरे, ये हो गया
इसके उपरांत आगे और आ गया, इसमें क्या है? ये है MRI होता है, बाद में है वो। ये क्या हुआ? ये है, ये क्यों, इसमें क्या? उसमें तो डीप कहा था, डीप एक्सरे, इसमें स्लीप एक्सरे। उसमें सोना पड़ता है और इतनी आवाज होती है, कभी कभी नींद तो आ ही नहीं सकती, उसमें इतनी वह डीपली वो काम होता है, आवाज इतनी होती है। जैसे विमान में भी इस प्रकार नहीं होती, विमान के आवाज तो बाहर होती है ज्यादा, भीतर शांति रहती। तो ऐसे ऐसे यंत्र आ गए हैं, तो वहां आज ये कह रहे हैं, कई लोगों ने कहा ऐसे यंत्र लगाने से या उनके प्रयोग करने से आप में भयानक रोगों के भी उत्पादन हो रहा है। कैंसर जैसे खतरनाक रोग, उसकी देन है ऐसा वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। जैसे यह है सैटेलाइट के माध्यम से जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं या और भी सीख रहे हैं, उसी प्रकार इन तावरों के कारण वहां पशु पक्षी, मुख्य रूप से पंख वाले पक्षी है, वे भी, उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। पहले कुछ ऐसे पक्षियों को भी पालते थे जो रामायण के दोहे और ग्रंथों के श्लोक याद करते थे, मैना तीता आदि आदि कुछ होते हैं। वो इसलिए एक प्रकार से उनमें भी अब ग्रहण करने की क्षमता रहती है, तो वह भी काम करने लग जाते हैं। आज ये सारा का सारा शांत हो गया है, इसलिए भारत में इतना ही मात्र पर्याप्त नहीं है, खाए पिए और मनोरंजन करके चले जाए तो वह भारत लौटेगा नहीं। ऐसे हमें राम क्या करते थे, क्या जाप करते थे, राम 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 तो आपको सिखाया जाता है, जिसको तोता राम बोलते हैं, किंतु राम भी जाप देते थे, सुनना चाहो है? कौन सा जाप आपने सुना है? क्या नहीं है? फिर ये बताओ। वो ये कहते हैं कि राम 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 ये कहते जाओ, लेकिन आराम के साथ कहते जाओ। आराम का अर्थ यह है प्रसन्नता के साथ कहते जाओ। आत्मनि रमते इति राम है, और उसमें भी वह कैसे आसमंतात राम है, ऐसा वह भाव भाषण हो तो राम या और किसी के लिए यह गुरुओं के द्वारा बताया जाता है कि तुम ऐसे ऐसे वह सुनो या मत सुनो,
हाँ निश्चित है मध्यम पांडव विजयोस्तु निश्चित। विजय निश्चित है। कैसे? अरे कैसे क्या पूछते हो? अब उसको सुनाने की बात है क्या? सामने तो देखो, एक यथाजात मुनि महाराज आ रहे हैं, इससे बढ़कर के शुभ और अवसर हो सकता है। इसलिए जिन्होंने ऐसे समय पर जो निकले हैं विजय के लिए, उनके लिए तो वरदान सिद्ध होगा। और जो व्यक्ति उस राम को नहीं याद करता है, तो वह निश्चित रूप से क्या होगा बताओ? और कोई नहीं, राम 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 राम, आठ दस बारह और कहो तो अपने आप ही मरा 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 पक्का हो गई है निश्चित, क्योंकि अर्थ कुछ है ही नहीं। आप दो ही बार कह लो, लेकिन जब उसका स्वल्प विराम नहीं आएगा और अर्थ की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, तब तक आपका मंत्र जाप वगैरह गलत है। रावण के मुख में भी राम राम होगा, क्योंकि अन्यत्र लिखा है कि राम अपने सिद्धि के लिए रावण अपने सिद्धि के लिए राम का ही नाम लेता था, किंतु किसी को बताता नहीं था, क्योंकि शुद्ध मंत्र नहीं होता। उनके लिए भी राम का नाम लेना वो शुद्ध ही हो जाता, क्योंकि उस पुरुष जो है शुद्ध है। तो रावण इसलिए नरक गया कि उसके जीवन में कभी भी राम के प्रति सद्भाव नहीं हुआ। उसको हमेशा मारने के लिए ही वह सोचता था। और वह सीता तुम्हारी नहीं है तो क्यों लेते हो? तो वो कहता था, जैसे मैं लाया हूँ क्षत्रिय होने के नाते, हाँ मतलब क्षत्रिय होना इसीलिए परस्त्री का हरण करना, इसके लिए था, लेकिन उसका तो यही धंधा था नहीं, हम इसको तब उनको देंगे तो नहीं, हम ले आए हैं, ले जाना वो तो ले जाए, लेकिन ये ध्यान रखो क्षत्रिय को कुछ बिना कहे आप ले जा नहीं सकते, तो तुम छुप करके क्यों ले आए थे? तो वो ये कहता है कि मैं छुप करके नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक निकाल करके जा गया हूँ, यहाँ पर कोई हो तो, कोई भी नहीं था, अकेले स्त्री, इसलिए तो हमने कहा यहाँ पर इसका कोई भी वारस नहीं है, इनके लिए कोई समझदारने वाले नहीं है, सुरक्षा भिक्षा कुछ भी नहीं है। हाँ ये सबसे बड़ी भूल यह हुई है, राम की सीता को छोड़ करके नहीं जाना था, और लक्ष्मण को रखा था वहां पर, हे लक्ष्मण तुम यहीं पर रहोगे, हाओ ठीक है आप जाओ, कहाँ काय के लिए जा रहे हो? वो तो सीता के लिए चाहिए, वो हिरण चाहिए, कोरो पानी के पास हजारों है बताते हैं, हाँ स्वास्थ्य तो होकर के रहते हैं, तो वहाँ देखते 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 वो भी चले गए। राम को वह मृग नहीं मिला। अब विलंब होने के कारण लक्ष्मण कहता है, लक्ष्मण ने लक्ष्मण को कहती है सीता, राम अकेले कहाँ गए,
राम अकेले कहाँ गए, राम अकेले कहाँ गए। अकेले नहीं, हमें नियुक्त किया है। अब नहीं, अब ज्यादा देर रहना लक्ष्मण ठीक नहीं है, वो अकेले हैं, कुछ भी हो जाए जंगल में, जैसे आपके आज्ञा, बस जाओ, अब दिनस्थ होने वाला है। ठीक, कोई बात नहीं। और जाते जाते उन्होंने कितने तीन बार वहाँ कस्से रेखा के साथ उसको उल्लेखित कर दिया, मन से वचन से काय से। इसके बाहर आपको नहीं आना। ठीक ठीक नहीं आऊंगा, मैं तो भीतर ही रहती हूँ। आओ, भूल जाओगे तुम भी। बहुत बार कहा बाहर नहीं आना भाभी, बाहर नहीं आ, थोड़ी आने से थोड़ी होता है क्या? नहीं, आदि भीतर और आदि बाहर आकर के उसने देने का प्रयास किया। नहीं ऐसा तो नहीं, वह कहता है भिक्षु ऐसा तो मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मैं तो आंगन में ही रहने होऊंगा, तो आंगन में यदि भिक्षा मिलती तो ले लूँगा, नहीं तो नहीं ले सकता, ये हमारा। चलो कोई बात नहीं, भिक्षुक है, बस दोनों पैर बाहर रख करके दे दिया, उस समय चला गया। क्योंकि वहाँ पर तीनों जो रेखाएँ खींची थी उसमें मंत्र शक्ति विद्यमान थी, उसमें राम निश्चित थे और बाहर रावण खड़े हैं। अपहरण हो गया, यहां निश्चय का अपहरण हो गया और रावण के द्वारा सीता का अपहरण हो गया। अपहरण तो निश्चित है, या तो व्यवहार का आप अपहरण कराओ या तो निश्चय का। आप लोग आत्म तत्व का अपहरण कर नहीं ये, इसलिए आज तक आपके पास वह आया ही नहीं। विद्या यथा जात दिख गए, यथा जात का अर्थ मध्यम पांडव और कुछ नहीं, रीतरागी संत का दर्शन हो गया, पर्याप्त है। आगे का जो कुछ भी नव भारत बनने वाला है वह विजय अवश्य मिलेगा, आपको मिलेगा। आप यदि जीवन का यदि सार्थक जीवन जीना चाहते हो, निश्चित कर लो श्रम के साथ दर्शन ज्ञान चारित्र को भी एक प्रकार से घोटते चले जाओ, घोटते चले जाओ। कैसे घोटो तो वो आचार्य कहते हैं भैया, जो ठंडाई बनाते हैं ना, हाँ, उसमें बादाम है, पिसते हैं, खसखस है और उसमें काली मिर्च है और शक्कर मिश्री है, वो है, फिर इसके उपरांत उसको घोटते 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 तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा, ऐसी निश्चल दशा उसमें से उत्पन्न होगी। वह कल ही गर्मी तो थी, सर्दी भी लग हो रही थी, हमने कहा देख तो थोड़े लोग थोड़े बहुत कभी कहा डाला होगा, सामग्री रह गई थी। देखो ज्ञानोपयोग
विश्रांत हो। ज्ञानोपयोग विश्रांत हो तो मिले निजी नैकट्य, तो मिले निजी नैकट्य। यह है, हम ज्ञान की उपासना कर ही नहीं सकते, ज्ञान को छोड़ दो, ज्ञान से काम मत दो, ज्ञान में मत झांको। आप उसमें झांकोगे तो वह विचलित करेगा, विकार से युक्त है, वह निराकार नहीं हो सकता। ज्ञान की उपासना करने वाला कभी भी निराकार दर्शनोपयोग की उपासना नहीं कर सकता। इसलिए समय सार का सार आपको दे रहा हूं, ज्ञानोपयोग विश्रांत हो तो कभी तो मिले निजी नैकट्य। अपनी निकटता यदि पाती है, निकटता किस में है? दर्शनोपयोग में निकटता है, ज्ञानोपयोग में विकटता है। इसलिए पसीना बहा जाओगे तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पसीना आना भी ठीक नहीं है और नहीं आना भी ठीक नहीं है। फिर क्या करें? तो श्रम उसी उतना ही करो जितने में कि हम दर्शन अर्थात अपना आत्मा का अवलोकन, पर के अनुको अवलोकन के साथ तो आपको सर्वज्ञत्व हो सकता है, किंतु दर्शनोपयोग वत अपने आत्मा को देखोगे निराकार, जिसको मुक्ति होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए ज्ञानोपयोग में और ज्ञान क्षेत्र में बहुत अंतर है। वह मुक्तावस्था में होती है और यह सर्वज्ञ दशा में जब कभी आप करते जाप मिलती है। इसलिए ये मंजिल नहीं है, ये अभी सीढ़ियाँ हैं, अभी आप लोगों को कई सीढ़ियाँ पार करना है। बहुत देर के बाद सोचा है, इसलिए ऐसा हुआ है कि एक विद्वान को यह लगा कि जो बच्चा था, मैं मतलब छोटा था, जब पढ़ता था उस समय हिंदी तो अपनी भाषा थी घर की भी और बाहर की भी, किंतु जब विद्यालय में पहुँचे तो उस समय इंग्लिश को ही माध्यम बना करके आगे का पूर्ण अध्ययन होगा। तब ये देखा ऐसा है तो बहुत कठिनाई होती थी वह इंग्लिश को तैयार करने में, और इंग्लिश तैयार हो गए किंतु तब तक तो है परीक्षा के काल ही समाप्त हो गए। इस प्रकार की कठिनाई को देख करके सोचा था पास तो हो गया, किंतु वह इतना कठिनाई के साथ आता है, अन्य विद्यार्थियों के छात्र छात्राओं की क्या दशा होती होगी। इसलिए अंग्रेजी भाषा का माध्यम का भ्रमजाल नाम से उन्होंने ये पुस्तिका लिखी। जब पढ़ने में आई बहुत अच्छा इन्होंने श्रम किया है, इसमें श्रम ही नहीं किया किंतु आगे इस प्रकार गलत श्रम ना हो विद्यार्थियों में। आज विषय वस्तु पूरी रहती है, मस्तिष्क में है, किंतु वे लिख नहीं पाते, क्योंकि नियम बनाया कि आपको इंग्लिश में ही लिखना, इसलिए अधूरा पेपर दे करके आते बच्चे।
और जो अच्छे नंबर ले आते हैं उन्हीं के लिए सब कुछ हो जाता है, और एक से नौ तक, दस तक, बस नब्बे 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 नब्बे, फिर इसके उपरांत कुछ भी नहीं। दस ही बच्चे मात्र सौ में निकलेंगे, हजार में सौ निकलेंगे, दस हजार में नौ हजार, दस हजार में निकलेंगे, बाकी सब जितने भी बच्चे हैं लाखों में बैठे हैं उनका क्या होगा, सभी नहीं निकल पाते। इसलिए सभी को अध्ययन जब करना है तो सभी को नंबर पाना है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कर लेंगे। तो यह बच्चों को बहुत अच्छा लगा बताते हैं, तो ये उनको परीक्षा ली गई। जैसे मान लो सामान्य रूप से इंग्लिश माध्यम से आप पढ़े और आपको पेपर देना है, दे दिया, आपके लिए 40 नंबर मिले हैं मान लो। अब बच्चों जब तुम लिखो अपनी भाषा में इसको पेपर लिखो, बहुत अच्छा, और अपनी भाषा में उन लोगों ने लिखा तो कहाँ से कहाँ तक गए, 40 से 80 तक लगभग बच्चों का विकास है, बिना पढ़ाए, क्योंकि मातृभाषा तो अपने पढ़ी हुई है, होता है। यदि ऐसा नहीं बोलोगे तो वहाँ पर दंड देना पड़ेगा आपको। इंग्लिश कोई भी बोलेगा तो दंड नहीं, हिंदी बोलेगा दंड है, तो वो दंड है तो फिर वो दंड भी हो सकता है, आप बताओ। इसलिए ऐसे बच्चों को उद्दंडता की सिखा रहे हो क्या? बच्चों को भाषा मत सिखाओ, बच्चों को पहले भाव सिखाओ ताकि उसका उत्तर सही सही वह लिख सके। जब लिख लिया तब मालूम पड़ा शिक्षकों को कि नहीं, इसके पास अपने नैसर्गिक, जिसको बोलना चाहिए, शिक्षा मिल गई है, इसलिए इस प्रकार इसने उत्तर दे दिया। अनुवाद के माध्यम से आपके अध्ययन को कराया जाएगा, और अब अच्छे ढंग से इसी प्रकार संस्कृत के भी और प्राकृत के भी अनुवाद अपभ्रंश में भी जो है होता है, जो हिंदी की जननी मानी जाती है, उसके भी सारे सारे अनुवाद हो रहे हैं। ये आप लोगों का सौभाग्य है। स्वाध्याय के लिए भी आपको अध्यात्म ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ भी मिल जाएंगे, और यह लौकिक लौकिक शिक्षा के लिए भी ये सब काम आएगा, और ये निश्चित रूप से आपका उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किया है। अब इसको क्या करना, तो देख लो, अहिंसा परमो धर्म की